परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। सबने अपने अपने इल्यूजन्स के अलग अलग चश्मे लगाए हुए हैं, इसीलिए एक ही सिचुएशन हर इंसान को अलग अलग तरीके से दिख रही है। एक आदमी तो पूरी की पूरी दुनिया की रियलिटी बदल सकता है अपने इल्यूजन से। जिस दिन आपने खुल करके अपनी जिंदगी को जी लिया, वो ही ओकेजन है, बाकी सब सिर्फ डेट्स हैं कैलेंडर के अंदर। सिर्फ इल्यूजन बनाने से कुछ नहीं होने वाला, उस पर फोकस करना पड़ेगा। जो विनर है, जो जीतेगा, वो एक बार नहीं हजार बार गिरेगा और खड़ा होकर के बोलेगा कि मैं खेलेगा। अगर ये दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन, उसमें कुछ ऐसा कर जाऊं, कुछ भी के जानने के बावजूद भी कि मैं कल सुबह नहीं उठने वाला, फिर भी आज रात को चैन से सो सकूं। ये जो मैं अभी कर रहा हूं, इस काम को करने के लिए मैं अपनी कोई भी चीज गंवाने को तैयार हूं। अगर पूरी दुनिया मुझे ये कहती है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी हाथ की लकीरों में ही कमी है, तो क्यों मैं अपनी हाथ की लकीरों को नहीं बदल सकता? वो दिन दूर नहीं है जब आपके पास सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी अपना कुछ भी खोने का डर नहीं होगा। चाहे आपके रास्ते में एक मुश्किल आए या हजार आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे एक आदमी आकर के आपको रोकने की कोशिश करे या 1,00,000 लोग आकर के आपके सामने खड़े हो जाएं, अरे आपको रोकना तो दूर, किसी में इतना दम भी नहीं होगा कि वो आपको हिला भी सके। You will be unstoppable! बाहर से दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोगों की सबकी आदतें क्या हैं? शो ऑफ है कि नहीं, इसको समझना पड़ेगा, रियलिटी को समझना पड़ेगा। हमारी सबकी आदत है शो ऑफ, अंदर से खोखले हैं, बाहर से पता नहीं क्या दिखा रहे, जैसे उससे कुछ होने वाला है। कुछ नहीं होने वाला है, शीशे में अपनी शक्ल देख रहे हो और अपने बारे में कुछ सोच रहे हो तो शीशे में देख करके अपने आप को क्या बोल रहे हो? जो बोलोगे वैसा ही आपके साथ होने लग जाएगा, उसी लेवल का कॉन्फिडेंस आपकी आंखों में नजर आएगा, वो जुनून नजर आएगा, वो फितूर नजर आएगा, वो पैशन नजर आएगा। कुछ करना नहीं पड़ेगा उसके लिए, आप समझ गए ना? एक है आप अंदर से एनर्जी लगा रहे हैं, एक है अंदर से एनर्जी निकल रही है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आप चुपचाप भी बैठे होंगे किसी के साथ में, लेकिन आपकी आंखों में कुछ नजर आ रहा होगा, इस दुनिया को एक स्पार्क नजर आएगा। अकेले में 24 घंटे जो आप अपने अंदर ही अंदर अपने बारे में बोलते हो, जो आप अपने बारे में सोचते हो, वैसा ही आपके साथ में होता है, क्योंकि उसी लेवल के आपके एक्शन, उसी लेवल की आपकी एनर्जी होती है। अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, ये थ्योरेटिकल बातें नहीं कर रहा। देखो, अगर अपने माइंड में कुछ चिंदी सोचोगे, छोटा मोटा सोचोगे तो वैसे ही बनोगे, कुछ बड़ा सोचोगे तो बड़ा बनोगे। तो सोचना ही तो बड़ा ही सोचते हैं ना,
थोड़ा बड़ा क्यों सोचना है? सोचना है तो पूरा ही बड़ा सोचो ना। मतलब मेरे अंदर कुछ हिडन पावर्स हैं जो हो सकता है अभी मुझे खुद को भी पता नहीं है। मैंने उसको डिस्कवर नहीं किया है, लेकिन है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि कोई भी किसी से कम नहीं है। मेरा जो आउटलुक है, यानी कि मेरी जो खुद की नजर है खुद को देखने की, वो ये है, और वही मैटर करती है। दुनिया की नजर में आप बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन गए, उसके बाद में डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हो बैठ करके, या फिर अपनी लाइफ से दुखी हो। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि वो खुद को अपनी नजर से नहीं देख रहे हैं, दुनिया की नजर से देख रहे हैं। दुनिया कभी उनको चढ़ा देती है, कभी गिरा देती है। दुनिया का तो काम ही यही है, और काम क्या है दुनिया का? और कोई काम है क्या? काम ही यही है, उनको मजा इसी में आता है। एक बंदे को चढ़ा दिया पहले तो चने के झाड़ पे, उसके बाद में बिल्कुल ही गिरा दिया, फिर ऐसे करके रगड़ दिया, और बंदा रो रहा है बैठ करके। क्यों? क्योंकि दुनिया के चढ़ाने से वो चढ़ गया। आप ऐसा करो ही मत। ग्रेटेस्ट की डेफिनेशन को ठीक रखो। आई एम द ग्रेटेस्ट क्यों? इसलिए नहीं कि दुनिया मुझे बोलेगी नहीं, यू आर नॉट द ग्रेटेस्ट, यू आर द वर्स्ट। मान लो यू आर द वर्स्ट, हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस? दुनिया से मेरे को कोई मतलब ही नहीं है। मेरे को खुद ये देखना है कि मैं खुद अपनी नजर में क्या हूं। और जेन्युइनली बता रहा हूं, अगर खुद आप अपनी नजर में ग्रेटेस्ट बन गए, तो आपके जो एक्शंस होंगे, आप जिस तरह से बोल रहे होंगे, आपके साथ में जो लोग होंगे, उनको कुछ अलग ही नजर आएगा। विल बिकम लाइक अ मैग्नेट। ऐसे लोग मैग्नेट्स होते हैं, क्योंकि उनमें एक कमाल की एनर्जी उनके अंदर से निकल रही होती है। सबको एनर्जी अच्छी लगती है। किसी को डल लोग, थके हुए लोग अच्छे लगते हैं क्या? बैठे अपनी लाइफ पे दुखड़े रो रहे हैं, खुद फ्रस्ट्रेटेड हैं, आपको भी फ्रस्ट्रेटेड कर रहे हैं, ऐसे लोग अच्छे लगते हैं? या वो लोग जो चार्ज्ड अप हैं, जो चार्ज्ड अप पूरी तरह से? ग्रेटेस्ट कौन है? वो नहीं जो कुछ बहुत बड़ा कर रहा है। ग्रेटेस्ट की डेफिनेशन को भी ठीक रखना अपने माइंड में, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। कि अगर आप एक डॉक्टर हो, तो कौन है ग्रेटेस्ट? वो डॉक्टर जिसका नाम बहुत ज्यादा है, या वो डॉक्टर जिसका काम एक्स्ट्राऑर्डिनरी? यानी कि ग्रेटेस्ट मतलब क्या? कि जब मेरे अंदर से जो आ रहा है, तो आई हैव द करेज टू गो फॉर इट नो मैटर व्हाट, देन यू आर द ग्रेटेस्ट पर्सन। तो आपको दुनिया की कोई ताकत बांध नहीं पाएगी, कहीं पर भी आपको कोई रोक नहीं पाएगी। हर जगह पर आपके अंदर कुछ नजर आ रहा होगा, आपकी जो एनर्जी होगी वो इन्फेक्शियस हो, वो पागलों की तरह आपके साथ जुड़ना शुरू। मतलब क्या है? कि खुश रह के काम करना चाहिए। पूरी दुनिया क्या कर रही है कभी ध्यान से ऑब्जर्व करना। लोग खुश होने के लिए काम कर रही है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अगर ये आपको बारीकी से मेरी बात समझ आ जाए ना, तो बहुत आगे जाओगे लाइफ। पूरी दुनिया क्या कर रही है? खच्चरों की तरह, जैसे गधा होता है, गधे को क्या चाहिए होता है? दिन के एंड में चारा चाहिए होता है। तो काम इसलिए नहीं कर रहा, गोल गोल इसलिए नहीं घूम रहा, उसको रस्सी से बांधा हुआ है, डंडे भी पड़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, इसलिए नहीं कि मेरे को मजा आ रहा है वो बोझा ढो करके, इसलिए कि मेरे को दिन के एंड में चारा मिले, और अगर मैं अच्छे से काम करूंगा तो मुझे गधी भी मिलेगी। फिर मेरे छोटे छोटे गधे गधी होंगे, फिर उनको भी मैं इसी काम में लगा दूंगा। ये दुनिया की हालत है। जबकि एक्चुअल में लाइफ क्या है? हम कोई गधे थोड़ी है, हम इंसान है। तो हमारे पास में चॉइस है, उस चॉइस को यूज करना चाहिए। तो चॉइस को यूज करने का तरीका क्या है? जो भी काम करो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, इसलिए मत करो कि ये काम करके मुझे ये मिलेगा और फिर मैं खुश होऊंगा। ना, काम ही करो खुश होकर। मतलब खुश रहो हमेशा, और अपनी खुशी को उस काम के थ्रू एक्सप्रेस करो। फिर आप जो भी काम करोगे उसमें प्यार होगा, उस काम के ऊपर आपकी खुशी की छाप होगी, उस काम में एक नशा होगा, मजा होगा, मस्ती होगी। जैसे होता है ना, कुछ सिंगर्स होते हैं, उनकी आवाज में एक अलग ही मजा होता है, नशा होता है, आपको कहीं और ही ले जाते हैं। यू ट्रांसेंड। ट्रांसेंड का मतलब होता है कि आप कहीं और ही चले गए, किसी और ही दुनिया में चले गए, सब भूल गए, अपने सारे दुख भूल गए कुछ देर के लिए, जब तक उसका गाना सुन रहे हैं, उसकी आवाज सुन रहे हैं। तो आपकी आवाज में, आपके काम में, आपके एक्शंस में, आपकी आंखों में कुछ होगा। एक है आप खुश होने के लिए काम करो, एक है खुश रहो और अपनी उस खुशी को एक्सप्रेस करने के लिए काम करो। दोनों में जमीन आसमान का। तो आपको ये दूसरे ऑप्शन को थोड़ा करके रखना है। अगर इसको समझ पाओ तो बड़ा मजा आएगा लाइफ में, वैसे भी बहुत आगे तक जाओ। इसको भी याद रखना लाइफ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इस पॉइंट को यहां पर टच कर रहा हूं। कहीं माइंड में ऐसे कोई नोशन नहीं बनाने हैं कि बिल्कुल ही आप जिसे कहते हैं ना घोचू बन जाओ लाइफ में, कि बस सुबह से रात तक पढ़ते ही रहना है, पढ़ते ही रहना है, पढ़ते ही रहना है। अबे करोगे यार इतना पढ़ करके? मतलब कुछ बन भी गए तो उससे हुआ क्या? वो सब फ्यूचर में है। करना क्या है? बैलेंस बनाना है।
पढ़ना है लेकिन साथ साथ में ये नहीं है कि हम लाइफ को एंजॉय ना करें, क्योंकि एक बार जैसी आदत पड़ गई वैसी पड़ जाएगी। ये मत समझो कि मैं वो बंद करके एंजॉय करूंगा, आदत की बात है ये। अगर मस्त रहने की आदत है तो है, जैसे मेरी आदत से नहीं है, स्कूल टाइमिंग से ही है, तो मस्त रहने की आदत है तो है। अब इससे आपको जवाब मिल जाएगा कि लाइफ में बैलेंस कैसे बनाते हैं। बैलेंस का मतलब लोग ये समझते हैं कि हमेशा हम खुश रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें। नहीं जी, रो रहे हो तो खुल के रोना है, ठीक है। दुखी हो रहे हो तो पूरी तरह से रोना है, हंस रहे हो तो खुल के हंसना है, जी रहे हो तो खुल के जीना है। मतलब कि लाइफ बहती रहती है, बहती हुई नदी के जैसी है जिंदगी बच्चों की, और बड़ों की कैसी है ज्यादातर, हाँ नॉट एवरीबॉडी, क्योंकि मैं भी बड़ा ही हूं ज्यादातर स्टैग्नेंट, बस अपने बिलीव्स को पकड़ करके बैठे हुए हैं, अपने आप को बदल नहीं रहे हैं टाइम के साथ साथ में। यू मस्ट बी ऑलवेज फ्लेक्सिबल, अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखना है, उसको कभी मरने नहीं देना है किसी भी हालत में। और अंदर के बच्चे को जिंदा रखने का मतलब यही है कि लाइफ में कभी भी ज्यादा सीरियस नहीं होना है। अगर इस देश का आपको प्राइम मिनिस्टर भी बनना है आगे जा करके, व्हाई नॉट, आगे जा करके अगर आप प्राइम मिनिस्टर भी बन जाते हो, HRD मिनिस्टर भी बन जाते हो, कुछ भी बन जाते हो, लेकिन अपने अंदर के बच्चे को मत मारना, बस ये याद रखना। और बच्चे बन करके आप बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, कितना मजा आएगा। लाइफ एक गेम के जैसी है, लेकिन आप इस गेम में सीरियस हुए पड़े हो तो क्या होगा, आप सही डिसीजंस ले ही नहीं सकते। इतनी सी बात को समझो कि जिंदगी एक खेल है, अगर ऐसा आप मान लेते हो तो आपका गया क्या ये बताओ मुझे। आपको सब कुछ मिल गया लेकिन आपका गया कुछ भी नहीं, क्योंकि अब इस खेल को आप अच्छे से खेल सकते हो। फिर 24 घंटे आप यही दिमाग लगाओगे कि अब कहां पर इस खेल में ना क्या कमी रह गई है। जैसे वीडियो गेम खेलते हैं, हम सब खेलते हैं, उसमें क्या पहले दिन में जब आप खेल रहे होते हो आप एक्सपर्ट हो जाते हो, पहले दिन में क्या 10वें लेवल पे पहुंच जाते हो, नहीं पहुंचते हो, टाइम लगता है ना। लेकिन क्या आप पहले दिन में 10वें लेवल पे नहीं पहुंचे तो क्या खेल खेलना बंद कर देते हो, उसको परफेक्ट करते रहते हो, बार बार गिरते हो, फिर जीरो से शुरू करते हो, फिर गिरते हो, फिर जीरो से शुरू करते हो, फिर उसको बेटर करते हो, बेटर करते हो, बेटर करते हो, धीरे धीरे आप क्या होता है आपका लेवल बेटर होने लग जाता है। आप 5वें पे जाते हो, 10वें पे जाते हो, 20वें पे। अब जिंदगी के खेल में वीडियो गेम में क्या फर्क है, वीडियो गेम में एक एंड आ जाता है, ये 50वां लेवल है, इसके आगे और कुछ नहीं है। जिंदगी खेल में कोई एंड ही नहीं, देयर इज नो एंड, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ, दैट परफेक्शन इज जस्ट अ वर्ड विच डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी, दैट इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ। नहीं तो मैं करता क्या, समझ रहे हो, नहीं तो आप करोगे क्या, अगर परफेक्ट हो गए तो अब खेल में मजा ही नहीं रह गया। जब तक जिंदा हो, जब तक सांसें चल रही हैं, जब तक हम हैं इस दुनिया में, तो उस खेल को हम बेटर करते चले जा रहे हैं, और बेटर, बाहर नहीं अपने अंदर। और अगर अंदर के खेल को आपने परफेक्ट कर लिया तो आपको यह भी पता होगा मेरे को किस आदमी से कैसे बात करनी है, कैसे नहीं करनी है। मतलब अब आप अवेयर हो गए उस खेल में, अभी आप अवेयर नहीं हो, अभी आप बस अपने बारे में सोच रहे हो, आप सामने वाले के बारे में नहीं सोच रहे हो। एक ऐसे एंट्रेंस जो आप क्रैक करना चाहते हो, उसके लिए जो पढ़ाई करनी है वो आपको करनी पसंद नहीं है, तो वो क्या है, टॉर्चर नहीं है, टॉर्चर है ना, तो उस टॉर्चर को सहने की मोटिवेशन कहां से आई। कुछ भी, वॉट एवर इट इज, दैट कुड बी फुटबॉल, दैट कुड बी क्रिकेट, दैट कुड बी एनीथिंग, वॉट एवर यू लाइक डूइंग, वॉट एवर योर इंटरेस्ट आर, वॉट एवर योर पैशन आर, चाहे उसका आपके प्रोफेशन से कनेक्शन है या नहीं है, उसमें गोल बना दो मास्टरी को। आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट इन इट, एज बेस्ट एज आई कैन, नॉट इन कंपेरिजन टू समबडी, मुझे अपना बेस्ट वर्जन बनना है। तो जब इस तरीके से आप उसके लिए बोल रहे हो, तो क्या यही फीलिंग उसमें भी नहीं आएगी जो आप तैयारी करने वाले हो। लगा थोड़ा सा दिमाग, एक एटीट्यूड ही तो होता है और क्या है, ग्रो करना है, अपने आप को बेटर बनाना है। जिसका ये एटीट्यूड है, क्या उसका हर चीज में एटीट्यूड नहीं आने लग जाएगा, फिर अब आप अपने आप को शीशे में देख करके बोल सकते हो, आई एम गोइंग टू बी द मास्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, देखता हूं कौन मुझे रोकता, आई एम गोइंग टू बी द मास्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर गेम, देन यू कैन एक्सटेंड इट फर्दर बाय सेइंग आई एम गोइंग टू बी द मास्टर ऑफ द गेम ऑफ लाइफ। Thank you.
और फिर एक दिन बैठे बैठे मुझे अपनी दुनिया बुरी लग गई। और फिर एक दिन बैठे बैठे मुझे अपनी दुनिया बुरी लग गई, जिसको आबाद करते हुए मेरे माँ बाप की जिंदगी लग गई। और फिर एक दिन बैठे बैठे मुझे अपनी दुनिया बुरी लग गई, जिसको आबाद करते हुए मेरे माँ बाप की जिंदगी लग गई। सब सवालात अजबर थे जो इश्क के बाब में मुझसे पूछे गए, पर सफारिश पे इस महकमे में किसी और की नौकरी लग गई। सब सवालात अजबर थे जो इश्क के बाब में मुझसे पूछे गए, पर सफारिश पे इस महकमे में किसी और की नौकरी लग गई। क्या करूं, उसकी आंखों के आगे अंधेरा नहीं देख सकता था मैं। क्या करूं, उसकी आंखों के आगे अंधेरा नहीं देख सकता था मैं। आप कहते रहें कि गलत आदमी पर मेरी रोशनी लग गई। क्या करूं, उसकी आंखों के आगे अंधेरा नहीं देख सकता था मैं। आप कहते रहें कि गलत आदमी पर मेरी रोशनी लग गई। इससे पहले कि मैं उससे मुंह फेर लेता, उसे खुद ख्याल आ गया। इससे पहले कि मैं उससे मुंह फेर लेता, उसे खुद ख्याल आ गया। मैंने चैनल बदलने का सोचा ही था कि सनम मारवी लग गई।